Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new poem, that is A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. Do poem bachcho humne already complete kar liye. This is your third poem. रिवीजन में जो है, वैसे तो हमने सारी कंप्लीट कर लिए, बट अभी जो रिवीजन चल रहा है आपका, कि बोर्ड में जो है प्रीवियस पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं या शॉर्ट नोट्स जो हैं, जिस तरह से मैंने आपको दो पोएम के दिए थे उसी तरह से आज हम जो है ये टाइगर इन द जू जो है, और इसमें जो है पोएट लेस्ली नॉरिस. अब मैं बार बार लेस्ली नॉरिस क्यों है, आप लोग जो है पोएट के नाम जो है साइड बाई साइड याद करते रहे जैसे जैसे आप रिविजन कर रहे हैं. तो यहाँ पे पोएट ने बताया है कि एक जो है टाइगर है, कंट्रास्ट करा है दो का, कि एक अगर वो केज में है या जू में है और दूसरा वो अपने नेचुरल हैबिटेट में. तो बच्चों कहाँ वो खुश होगा? ऑब्वियस है, अपने नेचुरल हैबिटेट में, क्योंकि वहां पे उसको क्या है, फ्रीडम है. और यहाँ पे क्या है, उसको लिमिटेड स्ट्रेंथ है और वहां पे जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है और जो है इधर उधर. एक होता है ना कि फेयर सा रहता है, डर रहता है, विजिटर्स को अवॉइड करता है, एक क्वाइट जो है रेज उसके अंदर एंगर है, शांत है, पर अंदर जो है उसका क्या है, गुस्सा है. तो उसी को यहाँ पोएम के थ्रू जो है, जैसे आप लोगों को अगर कमरे में बंद कर देंगे तो ऑब्वियस है कि आप जो है नाराज होंगे, गुस्सा करेंगे, बट कह नहीं सकते अंदर ही अंदर. तो सिमिलरली यहाँ पे जो है पोएट ने मैसेज भी दिया है, कन्वे करा है यहाँ पे मैसेज, और कि किस तरह से अगर हम किसी चीज को जो है बांध के रख लें या उसकी फ्रीडम छीन लेंगे तो क्या उसके जो है रिएक्शंस होते हैं, वो यहाँ पे बताया गया है. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन टू कंटिन्यू इट. ये सेक्शन डी कर रहे हैं बच्चों हम. पोएट्री सेक्शन. एक टाइगर इन द जू. तो पहले अभी हमने पढ़ा था कि वेरी सिंपल पोयम, और कि किस तरह से अगर केस में होता है कैसे स्टॉक्स करता रहता है, बट उसके अंदर क्या होता है, एक एंगर होता है, क्वाइट एंगर, राइट? क्योंकि गुस्सा करेगा तो वो क्या है, कुछ फायदा तो है नहीं उसको बर्तले से. तो वो जो है शांत रहता है बट गुस्सा, और गुस्सा कैसे दिखाता है, अवॉइड करता है विजिटर्स को, अवॉइड करता है, अपने क्लॉज दिखाता है, फैंग्स दिखाता है. तो पूरी पोएम में बताया. और अगर फ्रीडम, अगर उसको फ्री मतलब नेचुरल हैबिटेट में होगा तो कहीं भी वो घूमेगा, लर्किंग करेगा, मीन्स झाड़ियों में, लॉन्ग ग्रासेस में लर्किंग करेगा, और देन फिर अटैक करेगा अपने जो है, और सबसे फेवरेट जो है वो हंट क्या करता है, प्लम डियर, जो एक जो है हिरन जो है मोटा सा आ जाए या उसको जो है फेवरेट जो है उसका शिकार होता है. रिटन बाय लेस्ली नॉरिस. तो बच्चों इसमें बताया गया है पोएट ने, लेस्ली नॉरिस ने, कि किस तरह से, और ये पोएम कहां से मूव हो रही है, मूव फ्रॉम द केज, पिंजरे से जो है, जू से जो है ये मूव कर रही है, कहां पे, नेचुरल हैबिटेट में, एंड अगेन बैक टू केस न्यू जू, सॉरी, राइट? मतलब वहीं से शुरू होती है और फिर एंड भी जो है उसका कहाँ पे होता है, जू से ही होता है. तो यहाँ पे है द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू जंगल, और यू कैन से कि नेचुरल हैबिटेट, एंड बैक अगेन टू द जू. अब यहाँ पे दो चीजों को जो है, मतलब उसकी जो यहाँ पे एक केस में यहाँ पे कंट्रास्ट करा है इस पोएम को. तो दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू
तो कंट्रास्ट किसका है, एक टाइगर इन द जू और सेकंड कौन है, टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, राइट। तो पूरी पोयम जो है इसी पे राउंड कर रही है, राउंड घूम रही है, जू टू जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। तो कंट्रास्ट क्या है बच्चों यहाँ पे, दिस पोयम कंट्रास्ट, नेक्स्ट से करते हैं इसको, तो इट इज वेरी सिंपल, ए टाइगर इन द जू, तो अपने आप ऑब्वियस है कि ये यहाँ से शुरू हो रही है एंड कम बैक अगेन टू द जू एंड रिटन बाय नॉरिस। तो दिस पोयम कंट्रास्ट, किसका है, टाइगर इन द जू और उसके किससे है, दो हैं यहाँ पे, विद किससे कर रहे हैं, द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। Natural habitat. अब जो है जब ऑब्वियस है कि जब हम उसको चिड़ियाघर में रखेंगे तो किस में रखेंगे बच्चों, केज में रखेंगे, पिंजरे में रखेंगे। तो फर्स्ट स्टेंजा में क्या बोला उन्होंने कि इन द पोयम ही इज क्वाइट बट एंगर, मतलब चुप है, गुस्सा है, और यू कैन से और क्या कह सकते हैं हम, और क्या कर रहा है वो, ही स्टॉप few steps in the case, he stops few steps with quiet race, मतलब गुस्से में शांत है बट अंदर से क्या है वो, गुस्सा है, शांत जो होता है ना कि दिखता नहीं है, तो उस टाइप से जो है वो फ्यू स्टेप्स कर रहा है क्योंकि लिमिटेड एरिया है उसका। ऑन द अदर साइड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट क्या कर रहा है, ये स्लाइड कर रहा है थ्रू द लॉन्ग ग्रासेस, और किसके लिए कर रहा है वो, अपने फेवरेट हंट के लिए, अपना जो है शिकार के लिए, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट या इन द जंगल भी लिख सकते हैं आप, ही स्लाइड थ्रू लॉन्ग ग्रासेस इन सर्च ऑफ डियर। हिज फेवरेट हंट क्या है, उनका फेवरेट हंट प्लम्प डियर। और वो कहाँ आते हैं, नियर द वॉटर बॉडी। कंपैरिजन भी है कि यहाँ पे क्यों है वो फ्रीडम, वहां पे क्या उसे फ्रीडम है, घूम रहा है, लर्किंग कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, घूम रहा है। When he is locked in concrete cell, अगर उसे लॉक कर देते हैं छोटे से सेल में, राइट, तो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ कैसे रहेगी बच्चों, लिमिटेड स्ट्रेंथ। ऑन द अदर साइड क्या होगा कि अगर हम उसको फ्रीडम दे देते हैं,
तो उसकी क्या स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ इन कंपेरिजन टू द केज, वहां पे लिमिटेड स्ट्रेंथ है। और जंगल में अगर हम उसके छोड़ देंगे तो क्या होगा उसकी, ही इज नर्वस अराउंड हाउसेस, वो इधर उधर घूमेगा, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको जो है हंट करेगा, अपना फेवरेट जो है हंट करेगा, प्लम डियर या कोई भी जो जानवर से पसंद है, राइट। बट और क्या करेगा वो, किधर की सही जाएगा, हाउसेस की तरफ, ही स्नॉर्स अराउंड हाउसेस, एट जंगल एज, क्योंकि उसको फ्रीडम में कहीं भी मूव कर सकता है, राइट। तो एज में जो जंगल के एज में जो घर बने हैं वहां पे क्या करता है वो स्नॉल्स करता है, और क्या करते हैं टेरराइज करता है, डराता है उनको। विलेजर्स और जब वो यहाँ पे लिमिटेड स्ट्रेंथ होती है तो बस वो क्या कर सकता है, इग्नोरिंग द विजिटर्स, इग्नोर करता है। यस, तो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं हम टाइगर इन द जू और द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो यहाँ पे होता है इन द केस ही स्टॉप्स फ्यू स्टेप्स, क्वाइट डेज रहता है, when he is locked in concrete cell, limited strength रहती है, ignoring the visitors, खाली हम points लिख रहे हैं, right? In its natural habitat, he slides through long grass. His favorite hunt क्या है उसका? Is the plum deer. He snarls around sometime, क्या करता है? वो घूमता घूमता कहाँ चला जाता है? आज जंगल की एज में चल जाता है, जहाँ पे क्या है? Houses है, he snarls around houses at jungle's edge, और वहाँ क्या करता है? Terrorizing the विलेजर्स, उनको क्या करते हैं डराता है, और कैसे डराता है, बाय ओपनिंग हिज वाइट फैंग्स और द लॉन्ग टीथ एंड द क्लॉज, पंजों से दांतों से जबड़े पूरे, देखा ना कभी शेर को या टाइगर को किस तरह से जब वो स्नॉल्स करता है या रोल करता है तो किस तरह से पूरा जो है उसके फैंग्स उसको बोलते हैं, राइट। और उसका जो फिरोशियस मतलब इतना जो फेस देख के जो है वहां के लोग जो है डर जाते। तो इग्नोरिंग विजिटर्स और सबसे और लास्ट वाले पैरे में क्या है, हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, किसकी आवाज सुनता है, पेट्रोलिंग, जो पुलिस वाले जो है वहां पेट्रोलिंग कर रहे हैं उनकी, पेट्रोलिंग कार्स और जो गाड़ियां वहां पे घूमती रहती हैं उनकी आवाज जो है वो सुनता है। पेट्रोलिंग कार्स, ऑन द अदर हैंड in its natural habitat, किस तरह से वो उन्हें डराता है, by opening out his white fangs or the long teeth and the claws. His ferocious looks frighten frighten the villagers, और क्या करता है, स्टेयर्स करता है,
steers with his brilliant eyes at the brilliant stars. Eyes at the brilliant stars. अब जब वो केस के अंदर है तो वो अपने आप को क्या नहीं कर सकता, फ्री नहीं कर सकता, फ्रीडम नहीं है उसके पास. ही कांट फ्री हिमसेल्फ बट ही एस्टेब्लिशेस द डिफरेंस. यहाँ पे पोएट ने क्या करा है कि ही कांट फ्री हिमसेल्फ, अपने आप को जो है फ्री नहीं कर सकता. ही एस्टेब्लिशेस द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब दोनों में जो है अंतर बताया है कि किस तरह से जो है केस में और जो है फ्रीडम है. राइट, एंड कंट्रास्ट द लाइफ ऑफ द टाइगर इन द जू एंड इट्स. अब यहाँ पे पोएट की बात करें, ही कांट फ्री हिमसेल्फ. अब यहाँ पे पोएट के लिए बोला है द पोएट कंट्रास्ट एंड नेचुरल हैबिटेट जो है फॉरेस्ट की बात करिए. द पोएट हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल्स दैट आर केज बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर ओन फन. कि वो वाला पॉइंट हमने ऊपर लिखा है तो नो नीड टू राइट इट अगेन. Try to explain about the condition of animals that are caged by human beings for their fun. Clear? तो यहां पे जो है सिंपल सा है कि उन्होंने कंट्रास्ट करा है कि किस तरह से जो लास्ट आवाज जो सुनता है नाइट पे, किसकी सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स जो वहां पे घूमती रहती है उनकी आवाज सुनता है और क्या करता है, स्टेयर्स करता है विद द ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. ही कांट फ्री हिमसेल्फ, अपने आप को जो है मतलब फ्री नहीं कर सकता. राइट, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, लिमिटेड है. और इन ऑन द अदर हैंड क्या है उसका, उसके पास फ्रीडम है, किसी भी समय जो है वो क्या कर सकता है, हंट कर सकता है. राइट, कहीं भी मूव कर सकता है, हाउस की तरफ जा सकता है. राइट, और वहां पे उनको डरा सकता है, पर उसका इंटेंशन ये नहीं रहता कि विलेजर्स को जो है वो हार्म पहुंचाए या किल करे उसे. राइट, तो ऑब्वियस है हमारे सामने कोई भी जो है मींस कोई भी टाइगर आ जाए, लायन आ जाए, तो हम लोग क्या है उससे डर जाते हैं. तो यहाँ पे जो है बच्चों राइमिंग स्कीम जो है यहाँ पे कौन सी है तो आप लोग जो है चेक कर लें. जैसे हमने मैंने आपको बताया था कि लास्ट वर्ड देखें आपका लास्ट वर्ड कौन सा होता है और उसके अकॉर्डिंग जो साउंड आता है उससे जो है हम क्या बनाते हैं, राइमिंग स्कीम बनाते हैं. तो मोस्ट जो है यहाँ पे जैसे फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है स्ट्राइप्स. राइट, द फ्यू स्टेप्स ऑफ केस स्ट्राइप्स ऑन पैथ्स. अब ये दोनों क्या है बच्चों, डिफरेंट है. स्ट्राइप्स भी डिफरेंट है और केस भी डिफरेंट है. ऑन पैथ्स ऑफ वेलवेट क्वाइट क्वाइट और स्ट्राइप्स, ये भी नहीं मैच कर रहा है, ये भी साउंड जो है डिफरेंट है. इन हिज क्वाइट रेज, अब केज और रेज ये क्या है, थोड़ा सा सिमिलर है. तो ए बी सी बी जो है हमारी राइमिंग स्कीम बनेगी. जैसे फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है दैट इज योर स्ट्राइप्स, तो मैं एक आपको बता देती हूँ. राइट, सेकेंड है आपका, सेकेंड लाइन की जो है लास्ट लाइन है आपकी केज. थर्ड लाइन की जो है लास्ट वर्ड इज क्वाइट.
और नेक्स्ट इज दैट इज योर फोर्थ लाइन जो है आपकी, लास्ट वर्ड इज योर रेस। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि राइमिंग स्कीम कौन सी बन रही है, तो स्ट्राइप्स ए केस, स्ट्राइप्स और केस टोटली डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। केस क्वाइट स्ट्राइप्स डिफरेंट है, केस जो है किससे राइम कर रहा है, रेस, तो ये क्या हो जाएगा बी। तो राइमिंग स्कीम क्या हो गई आपकी, ए बी सी बी, तो पूरी पोएम में एक ही राइमिंग स्कीम है आपकी, दैट इज ए बी सी बी। दूसरा यहाँ पे जो है हमारा जो ऑलिट्रेशन है, ऑलिट्रेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, उसमें क्या होता है रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, राइट। जैसे यहाँ पे हो रखा प्लम पास पी पी, राइट, बिहाइंड बार्स बी बी, ही हियर्स एच एच, तो ये क्या हमारे कॉन्सोनेंट है, पी बी ही क्या है हमारे कॉन्सोनेंट है, राइट। तो इसी तरह से जो है हम उसमें पोएटिक डिवाइस को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल सा ये पोएम है आपकी, और इसमें डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में। ये मैंने एक सिंपल सा आपको समरी दिखाई है, एक बार इसको देख लेते हैं। तो टाइगर इन द जू इज रिटन बाय लेस्ली नॉरिस, द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू जंगल जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। नेक्स्ट है ए टाइगर इन द जू, और कंट्रास्ट क्या है, द पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद, किसके साथ क्या है, द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, इन द केस ही स्टॉक्स फ्यू स्टेप्स, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट ही स्लाइड्स थ्रू लॉन्ग ग्रासेस या लॉन्ग ग्रास, हिज फेवरेट हंट इज द प्लम डियर, व्हेन ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल लिमिटेड स्ट्रेंथ रहती है, इग्नोरिंग द विजिटर्स, इग्नोर करता है विजिटर, क्योंकि गुस्सा कैसे दिखाएगा वो अपना, रेज कैसे दिखाएगा, एंगर, राइट। ही इज नॉट अराउंड हाउसेस, क्योंकि इसके पास फ्रीडम है, एट जंगल एज टेररिंग द विलेजर्स, विलेजर्स को डराता है, इंटेंशन नहीं रहता उसका। हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट पेट्रोलिंग कार्स, स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ही कांट फ्री हिमसेल्फ, द पोएट हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन अबाउट द कंक्लूजन, क्या निकला कि द पोएट हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल्स दैट आर केज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर ओन फन, राइट। ये कोशिश करिए बताने की, ये नहीं है कि टाइगर की बात करिए, कोई भी एनिमल है कि उसको हम केज में रख देते हैं अपने फन के लिए, तो उसकी कंडीशन क्या रहती है, वो क्या हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, वीक हो जाता है वो, राइट। और यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से हिज फेरोशियस जो है लुक्स फ्राइटेंड द विलेजर्स, कि मतलब पूरा अपना यूज करता है अपने स्ट्रेंथ का, उसका इंटेंशन नहीं रहता, बट फिर जो है कहाँ घूमता रहता है वो जंगल में, जो है फ्रीली फ्रीडम है उसके पास, एक तरह से यू कैन से कि यहाँ पे क्या उसके पास फ्रीडम है। राइट, ब्रिलियंट आई सी किसको देखते हैं, ब्रिलियंट स्टार्स को। तो ये लास्ट जो है नाइट का सीन बताया गया है कि वो अपने आप को जो है फ्री नहीं कर सकते, एंड दिस इज द कंक्लूजन कि द पोएट हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल्स दैट आर केज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर ओन फन। ये राइमिंग स्कीम बताई है मैंने कि कौन सी राइमिंग स्कीम है, दैट इज योर ए बी सी बी। अब यहाँ पे एक सिंपल सा देख लेते हैं मूवमेंट इन द केस, कि केस के अंदर वो कैसे मूवमेंट करता है और बाहर कैसे करता है, ये आपका एक क्वेश्चन है, तो उसको आप देख लें, क्योंकि यही चीजें हैं, यही क्वेश्चंस पे अभी पुट करेंगे, पूछे जाएंगे, आस्क होंगे, मूवमेंट इन नेचुरल हैबिटेट। जंगल और नेचुरल हैबिटेट, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको अरेंज करना है उनको। एक तो क्या करता है वो स्टॉक्स करता है फर्स्ट स्टेंजा में, दूसरा क्या करता है फ्यू स्टेप्स चहलकदमी करता है बट ज्यादा नहीं करता क्योंकि लिमिटेड स्पेस है वहां पे, दूसरा क्या करता है स्टॉकिंग। यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं आपको उनको अरेंज करना है, इग्नोरिंग वर्ड्स आर गिवन हियर, इसको इग्नोर करते हैं विजिटर्स को, यहाँ पे खाली मूवमेंट्स बताने हैं, तो इट्स ओके, वही है स्टॉक्स
और क्या करता है, फ्यू स्टेप्स. और थर्ड पॉइंट इज योर इग्नोरिंग, इग्नोरिंग विजिटर्स. अगर जंगल में रहता है, अगर नेचुरल हैबिटेट में रहता है, तो क्या करता है, वो लर्किंग करता है, स्लाइटिंग करता है. स्नॉर्लिंग, क्या आपको पोएम में से जो है टेररिजिंग, हेयर्स, स्टेयर्स. जब जंगली होता है तो इस टाइप की एक्टिविटी होती है, और जब केस के अंदर होता है तो इग्नोर करता है, स्टेयर्स यहां भी करता है. पर किसको करता है स्टेयर्स, तारों को, स्टार्स को. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, वही मैंने यहाँ लिखा है कि फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट्स एंड एक्शन ऑफ द टाइगर इन द केव एंड वाइल्ड. तो यहाँ पे जो है इन द जंगल या वाइल्ड भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि क्वेश्चन में जो है आपका वर्ड यूज हुआ है मूवमेंट इन द वाइल्ड, जंगली, जब जंगल में रहता है, इन द वाइल्ड. तो दिस इज द क्वेश्चन गिवन इन द बुक. फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट है. और सेकंड पार्ट है इसका कि फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द टू प्लेसेस. अब दो प्लेसेस आपको देखनी है, ठीक है, एंड अरेंज देम इन टू कॉलम्स. नाउ ट्राई टू शेयर आइडियाज अबाउट हाउ द पोएट यूजेस वर्ड्स एंड इमेजेस टू कंट्रास्ट द सिचुएशन. अब यहाँ पे केस और मतलब दो प्लेसेस लेनी हमें. कौन कौन सी है दो प्लेसेस, एक तो है किसके पिंजरे के अंदर है केस में, और दूसरा कौन सा है बच्चों, जंगल, राइट, वाइल्ड है, शेडो है, लर्किंग करता है, लॉन्ग ग्रास से वाटर बॉडी के पास जाता है, प्लम डियर देखता है, हाउस इज द जंगल, एच विलेज, राइट. और यहाँ पे क्या है केस में, फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस, कंक्रीट सेल है, लॉक्ड है, बिहाइंड बार्स है, विजिटर्स को देखता है और पेट्रोलिंग कार्स को सुनता है. तो ये भी क्वेश्चन है आपका गिवन इन द बुक. तो दो प्लेसेस कौन कौन सी डिस्क्राइब करिए, एक तो केस की करिए और दूसरा वाइल्ड. तो यहाँ पे वो वर्ड्स लिखने जो स्थानों का वर्णन करता है, जो उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, प्लेसेस के बारे में डिस्क्राइब करता है. यहाँ पे खाली हमें मूवमेंट्स के बारे में लिखना है, राइट. तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलता है कि प्लेस के बारे में पता चलता है, क्योंकि वो खाली फ्यू स्टेप्स ले रहा है. इससे हमें पता चल रहा है कि उसका प्लेस कैसा है, राइट, स्मॉल है. कंक्रीट सेल ये भी हमें बताता है कि कितना जो है उसकी कंक्रीट सेल, कि कितना उसका जो जो सेल है जिसमें उसको रखा गया है, कितना नैरो है, कितना कंक्रीट है, कितना कंजस्टेड है, या कितना स्मॉल है. और क्या कर रखा है यहाँ पे इसको, लॉक्ड, बिहाइंड बार्स. अपनी स्ट्रेंथ नहीं शो कर सकता. और क्या देखता है यहाँ पे, वो विजिटर्स को, जिनके लिए यहाँ पे उसको क्या कर रखा है, केज में रखा हुआ है, पेट्रोलिंग कार्स की आवाज सुनता है. ऑन द अदर हैंड जब उसको फ्री छोड़ देंगे तो क्या है, शेडो लर्किंग करता है, कहाँ, लॉन्ग ग्रास में, वाटर बॉडी के पास जाता है, लंप डियर हंट करता है. इससे प्लेस का पता चल रहा है कि लॉन्ग ग्रास से, इसका मतलब क्या है, उसका फ्रीडम है, उसका नेचुरल हैबिटेट है. इन वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है बच्चों, कि उसका नेचुरल हैबिटेट. इन वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है, ये फ्रेजेस से क्या पता चल रहा है, कि उसका जो जो उसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है, और उसको जो है ह्यूमन बींग से क्या कर रखा है, केज कर रखा है, पिंजरे के अंदर बंद कर रहा है, कि उसकी लिमिटेड स्ट्रेंथ है, लिमिटेड स्पेस है, जिसको वो यूज नहीं कर सकता प्रॉपरली, राइट. हाउसेस एट द जंगल, एच
houses at the edge. Jungles, edge, or next point is village. Right? So, बच्चों, this is all about the poem. I hope आप लोगों की समझ में आ गई होगी. और कल हम जो है previous papers में कौन कौन से questions हैं वो discuss करेंगे. तो अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी सेक्शन में, जैसे हमने ए और बी और सी जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, और फिर भी आपको कहीं पे भी, क्योंकि अभी आपके बोर्ड एग्जाम है, तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप सिस्टम के माध्यम से यहाँ पे अपने जो है डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस.